हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं परफेक्ट गार्डनिंग। परफेक्ट गार्डनिंग में दोस्तों आपका स्वागत है और हम आज बात करने जा रहे हैं समी प्लांट के बारे में। समी प्लांट एक औषधीय प्लांट है जो सभी घरों में पाया जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है विधिवत। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस पौधे के बारे में। दोस्तों ये समी प्लांट एक मरुस्थलीय प्लांट है। यह इसके जड़ें काफ़ी बड़ी होती है। आप इसे ज़मीन में लगा सकते हैं। अगर ज़मीन में इसे लगाया जाए तो इस ये एक अच्छी खासी पेड़ बन जाती है। लगभग 8-10 फीट की हो जाती है। अगर हम इसे गमले में लगाएं तो गमले की साइज़ कम से कम 10 या 12 इंच होनी चाहिए। इसे लगाने के लिए एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट लगाएं और दिन में आप 1-2 बार पानी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को दक्षिणी कोण में रखना चाहिए, दक्षिण दिशा में, और इसे पूर्वी और उत्तरी कोण में, दिशान कोण में रखना चाहिए। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान शिव को काफ़ी प्रिय है और इसकी पूजा भी की जाती है शनि महाराज के रूप में। इस पौधे को धूप काफ़ी पसंद है। आप इसे धूप में रख सकते हैं। ये बहुत जल्दी ग्रो होती है। आप इसमें गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। दोस्तों समी प्लांट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे शनिवार के दिन गमले में या सीधे कच्ची ज़मीन में लगा सकते हैं। आप घर के मुख्य द्वार के पास लगा सकते हैं। घर के अंदर समी का पौधा नहीं लगाना चाहिए ऐसा कहा जाता है। इसे आप विजयादशमी के दिन लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। विजयादशमी का शुभ दिन तरक्की को दर्शाता है और समी का पेड़ इस दिन लगाने से आपका भाग्य भी चमकने लगता है। समी का पेड़ आप अपने घर के बाहर इस दिशा में लगाए कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो यह आपके दाएं हाथ की तरफ पड़े। अगर आपके घर के बाहर इस प्रकार की जगह नहीं है तो आप इसे घर की छत पर भी लगा सकते हैं। छत पर लगाए तो आप इसे दक्षिण दिशा में रखें। अगर यहाँ धूप ना मिले तो पूर्व दिशा या इसे ईशान कोण में भी रख सकते हैं। और समी प्लांट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे उसी स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ साफ़ सुथरा हो, यानी कि यहाँ नाली का पानी या फिर कूड़ा कचरा ना रहे। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि समी के पेड़ की पूजा होती है जहाँ वहाँ कोई थूके भी ना। समी का पौधा लगाने के लिए भी साफ मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि यह मिट्टी नाली के आसपास या फिर अन्य किसी गंदे स्थान की ना हो। अगर आप समी के पेड़ की रोजाना पूजा करेंगे और जल चढ़ाएंगे तो आपके घर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शनिवार के दिन सुबह जल्दी स्नान करें और साफ गमले में स्वच्छ स्थान पर साफ मिट्टी में समी का पेड़ लगाएं। आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। उपाय के तौर पर पौधे की जड़ में एक सुपारी, 1 रुपया सिक्का भी दबा सकते हैं। साथ पौधा लगाने के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल भी डालें। पौधा में रोजाना पानी दें ताकि ये मुरझाए ना। शाम को समी के पेड़ के पास आप एक दीपक जलाएं जिससे कि आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा होगी। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। समी प्लांट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिन राशियों पर शनि की 7.5 चल रही हो उनके जातकों को रोजाना समी के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। सुबह उन्हें जल चढ़ाना चाहिए, शाम को दिया जलाए। शनिवार को पेड़ के सबसे निचले भाग में उड़द की काली दाल और काले तिल चढ़ाए। इससे अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो तो उसका दुष्प्रभाव कम होगा। इतना ही नहीं, समी के पेड़ घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। भगवान भोलेनाथ को भी समी के पुष्प और समी का पौधा बेहद प्रिय है। रोजाना की पूजा में अगर आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उसमें समी का पुष्प भी डाल दें। यदि पौधा छोटा है और उसमें पुष्प नहीं तो आप समी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यह प्लांट कटिंग के द्वारा भी लग सकती है। आप इसे गमले में कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। और गमले में अगर आपने पौधा लगाया तो इसकी ट्यूटिंग करते रहे ताकि ये ज़्यादा बढ़े ना। इसकी रूटें काफ़ी बड़ी होती है। तो दोस्तों कैसा रहा मेरा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।